क्या कोई माँ बाप अपनी बच्ची को आईफोन के लिए बेच सकते हैं, या फिर कोई बेटी आईफोन के लिए अपने माँ को मारने की कोशिश कर सकती है, या फिर कोई इंसान अपना नाम आईफोन रख सकता है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अजीब लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने आईफोन को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये कहानियाँ आपके दिमाग को हिला कर रख देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को सुनकर आपको हैरानी होगी कि जब एक माँ ने अपनी 12 साल की बेटी से आईफोन छीन ली तो उस बेटी ने अपने माँ को दो बार मारने की कोशिश की। माँ ने दो बार अपने पानी में ब्लीच को महसूस किया जो उसकी अपनी बेटी ने मिलाया था, तो उसने अपनी बेटी से बात की जिसने मान लिया कि आईफोन के लिए उसने अपने माँ को मारने की कोशिश की। उसके बाद लड़की को जुबिलेन होम में रखा गया और उसके ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया। अगली कहानी है एक चाइनीज आदमी की जिसने अपने गर्लफ्रेंड को किराए पे दिया सिर्फ आईफोन खरीदने के लिए। एक आदमी जो आईफोन 6 खरीदने के लिए पैसे जमा करने के लिए बेकरार था, उसने अपने गर्लफ्रेंड को दूसरों के साथ शेयर करने का फैसला किया। चाइना के सोंगयांग यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट जिसने एक पोस्टर लगाकर अपने गर्लफ्रेंड को घंटे दिन और महीने के लिए किराए पर देने का फैसला किया ताकि वो आईफोन खरीदने के लिए पैसे जमा कर सके। पर उस लड़की की एक शर्त थी, शर्त ये थी कि लड़की के साथ कोई भी मजाक या गलत काम नहीं होना चाहिए और उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को सिर्फ खाना खाने और पढ़ने की इजाज़त होगी उसके साथ। अगली कहानी है एक चाइनीज़ कपल की जिसने अपनी बेटी को ही बेच दिया सिर्फ आईफोन खरीदने के लिए। चाइना में एक कपल ने अपनी छोटी बेटी को लगभग 5 लाख रुपए में बेच दिया और कुछ लग्जरी चीज़ें खरीदी जिसमें आईफोन भी शामिल था। इस कपल के पास पहले से ही 2 बच्चे थे और इन्होंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दिया बिना अपना नाम बताए छुप कर कि ये दावा किया कि ये अपनी बेटी जो अभी भी पैदा नहीं हुई जो वो ऊपर दिए गए रकम में उसे देना चाहते हैं। जब ये पकड़े गए तो इन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को एक ऐसी फैमिली को दिया है जो उसे अच्छी एडुकेशन दे सकते हैं, लेकिन ऑथोरिटीज़ ने इनके ऊपर विश्वास नहीं किया। आईफोन के लिए किडनी बेचना ये बहुत ही कॉमन मजाक है, लेकिन एक टीनेजर ने ऐसा सच में किया था 2012 में। एक 17 साल का चाइनीज़ लड़का जिसने अपनी किडनी को 2 लाख रुपए में बेच दिया। पैसे से उसने अपने लिए एक आईफोन और एक आईपैड खरीदा और जिन लोगों ने उसे इस जाल में फंसाया था उन्होंने 22 लाख रुपए कमाए। ऐसा ही कुछ 2016 में 2 चाइनीज़ लोगों ने भी किया जिन्होंने अपनी किडनीज बेचकर आईफोन 6 खरीदने की कोशिश की जो अभी तक मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुई थी, लेकिन जिन इनलीगल एजेंट्स को वो अपनी किडनीज सेल करके पैसे लेना चाहते थे वो उनके पास नहीं आए। उनमें से ही एक आदमी ने अपना मन बदल दिया और अंत में उसने पुलिस को इस डील के बारे में बता दिया, लेकिन उसका दोस्त भाग गया। क्या कोई इंसान अपना नाम आईफोन रख सकता है? सोचकर काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन यूक्रेन की एक आदमी ने जिसका नाम अलेक्सेंडर ट्यूरिन था उसने अपना नाम बदलकर आईफोन सिम रख लिया था। सिम का ट्रांसलेशन होता है 7 वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, ताकि उसे आईफोन 7 फ्री में मिल सके। उसे अपना नाम चेंज करने के लिए $2 देने पड़े जबकि आईफोन की प्राइस $850 थी, पर उसने फैसला किया कि वो अपना नाम तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक उसके बच्चे ना हों। तो दोस्तों ये थे कुछ अजीब लोग जिन्होंने आईफोन पाने के लिए काफ़ी अजीब हरकतें की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में।